बदला हुआ कश्मीर आप देखेंगे, सूचना का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में कल से लागू होगा। सोचिए, पॉक्सो एक्ट भी अभी तक कश्मीर में लागू नहीं होता था। आपको बताते हैं कि कानून से लेकर प्रशासन स्तर तक अब कश्मीर में क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं। तो पुराने जम्मू कश्मीर में 326 कानून थे, लेकिन अब 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे। राज्य के 153 कानून खत्म हो जाएंगे, जबकि पुराने 166 कानून लागू रहेंगे और पुराने 7 कानूनों में संशोधन। पुलिस के स्तर पर अगर देखा जाए तो पुराने कश्मीर में पुलिस राज्य के अधीन थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के अधीन होगी। कैबिनेट के स्तर पर जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि पहले कैबिनेट में 24 मंत्री होते थे, जबकि अब सीएम समेत 10 मंत्री। वेतनमान यानी कि सैलरी के लिहाज से देखें तो पहले 7वां वेतन आयोग लागू नहीं था। 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा इससे और 4,800 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। विधानसभा की बात अगर करें तो पहले 87 सदस्य होते थे और अब 107 सदस्य होंगे। हालांकि 24 सीटें जो अभी पीओके में होती थी अब वो इधर आ जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बता दें आपको कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में होंगे और वहां मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने वादा किया था कि एक साल के भीतर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश विदेश के पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना देंगे और उन्होंने ये वादा पूरा भी कर दिखाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के पूरे इलाके को एलईडी लाइट्स से रोशन किया गया है। करीब 3.5 करोड़ एलईडी लाइट्स से सरदार पटेल की मूर्ति के आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को यहां सतरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। देश के लौह पुरुष की जयंती, मोदी जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था, सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रेरणा से ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था। 2014 से हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर वर्ग के लोग रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ में हिस्सा लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की इस प्रतिमा का उद्घाटन मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को किया था। सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस को अपने दफ्तरों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगाने का आदेश गृह मंत्रालय ने दिया था। यूपी में भी पुलिस लाइन और पुलिस थानों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाई गई है, जिससे पुलिस कर्मियों को प्रेरणा मिल सके। सुबह 11 बजे सभी पुलिस थानों और कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता शपथ भी ली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे गांधीनगर से केवड़िया के लिए रवाना होंगे। सुबह 7:45 पर पीएम मोदी केवड़िया पहुंचेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के बाद पीएम मोदी एकता दिवस परेड की शुरुआत करेंगे। सेना की टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। 3:30 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस का समापन होगा। शाम 5 बजे पीएम मोदी केवड़िया से वडोदरा और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। सरदार पटेल ने ही 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल किया था और अखंड भारत का सपना तभी साकार हो सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।